आज अपने देश में कितने राज्य ऐसे हैं जो टूटने के ही कगार पे खड़े हुए थे और कांग्रेस रही होती तो कभी का टूट गया होता। देखिए ये कुछ कोई भी जोड़े कुछ भी करे जो भी इनकी सीट है उसमें से भी ये घट जाएंगे, बस यही बात है। और मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है यार, वाकई वो पप्पू है, पप्पू था, पप्पू रहेगा। कि इस यात्रा का क्या असर होने वाला है जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं? कुछ असर नहीं होने वाला, असलियत यही है। पब्लिक अंदर से समझती है क्या नहीं, पब्लिक कोई अनजान नहीं है। कह रहे कि वो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये बात ठीक है। ये एक नारा उन्होंने प्यारा देने वाला दिया है, मगर इतना प्यारा नफरत कोई ऐसी बात नहीं है जो नफरत फैले या नफरत हो, कोई ऐसा कोई नफरत नजर नहीं आती, मेरे को तो नजर नहीं आती। आती है नफरत? नहीं, मेरे को तो नजर नहीं आती भाई साहब। पहली बात तो ये भारत जोड़ो यात्रा क्या है, भारत टूटा ही कब है ये बताइए ना, भारत टूटा ही कब है आप बताइए मेरे को, क्या भारत टूटा है क्या? पता नहीं कौन सी जो आर्थिक स्थिति पे राजनीति, राहुल को तो यार राहुल को तो बोलना तक नहीं आता, किस तरह से वो पीएम के साथ ऐसे जाके कर रहा है पार्लियामेंट में, ऐसे ही बात की जाती है क्या किसी प्राइम मिनिस्टर को? यार वाकई वो पप्पू है, पप्पू था, पप्पू रहेगा। वो तो कोई नहीं है, ढोंगे कर रहे हैं। जब भारत जोड़ने का टाइम था तब तो ये लोग भारत तोड़ रहे थे और तोड़ दिए भारत को। उस वक्त जब आज़ादी मिली कांग्रेस ही तो आया, तोड़ा किसने भारत? कांग्रेस ही तो तोड़ी, फिर उसको भी तोड़ दिए, बांग्लादेश एक बना दिए। और आज जहाँ टूट रहा वहाँ तो राहुल गांधी जा नहीं रहे हैं, वहाँ जाए टी शर्ट पहन करके जब पता चलेगा भारत कैसे जुड़ता है। आज अपने देश में कितने राज्य ऐसे हैं जो टूटने के ही कगार पे खड़े हुए थे और कांग्रेस रही होती तो अब तक कभी का टूट गया होता, अब तक टूट गया होता। अब तो जुड़ा पड़ा है, जुड़े पड़े पे तो कोई भी कह देगा हम जोड़ रहा हूँ, अब क्या जोड़ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो प्रेम की दृष्टि से बीजेपी ने 7 सालों में तोड़ा, तो आर्थिक स्थिति तोड़ी, लोगों की जेबें खाली कर दी, उस स्थिति पे जोड़ रहे हैं। देखो 2014 से पहले यहाँ जितने लोग खड़े हैं उन पे छोटा वाला मोबाइल नहीं था, आज जितने लोग खड़े हैं सबके पास में 10,000 से नीचे का मोबाइल नहीं होगा, स्मार्टफोन सबके पास है। 2014 से पहले किसी की यहाँ लेबर जो खड़ी है 9,000 से ऊपर तनख्वाह नहीं थी, आज 35-35-30,000 तनख्वाह है। कह रहे हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी कहाँ, छोटे छोटे बच्चों को लोग बाग काम पे लगा रहे हैं, कह रहे हैं बेरोजगारी है, आदमी नहीं मिल रहा है काम के लिए, छोटे बच्चों को लगाया जा रहा, लेडीज को लगाया जा रहा, कहाँ से बेरोजगारी? कह रहे कि प्राइवेट किया जा रहा है सब को, किसको प्राइवेट? जब सरकारी में भ्रष्टाचार होगा तो उससे प्राइवेट करना बहुत सही है। आप सरकारी काम कोई कराने चले जाइए 10 दिन धक्का खाएंगे, प्राइवेट करा देना बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे प्राइवेट कराओ, सब काम करें। हम प्राइवेट वाले काम कर रहे हैं, हम 12 घंटा काम करते हैं, जब जाकर हम तरक्की करते हैं वो 1 घंटा ऑफिस में नहीं आते हैं, काम तो करते नहीं, काम करेंगे रिश्वत लेंगे, फायदा क्या है इससे सरकारी का? बीएसएनएल क्यों डूबा? वो तो उन्हीं लोगों की वजह से डूबा है सर जी। बाकी जब भारत जोड़ने का टाइम था जब तो इन्होंने तोड़े, जब क्यों नहीं जोड़े? जब जोड़े होते कि हमारी दादी ने पाकिस्तान के 2 भाग कर दिए। अजी उनकी दादी पाकिस्तान का 2 भाग करके क्या कर ली है, उसमें कौन सा हमारे देश का कोई फायदा हो गया है? जिस दिन से 2 भाग की उस दिन से देखिए वहाँ पे क्या हो रहा, इन्हीं की सरकार थी, सैनिकों का हमारे सिर काट कर ले जाते थे। मनमोहन जी कहते थे अपने सेनाओं को आप लोग जो है शांति से काम करें, शांति से काम करें, सौहार्दपूर्त काम करें। आज ले जाए जरा एक सैनिक का सर काट करके 10 का कटवा करके ले आएंगे। अभिनंदन को भेजा था ना वापस, क्यों भेज दिए? किस डर से भेजा था? देखिए ये कुछ कोई भी जोड़े कुछ भी करे जो भी इनकी सीट है उसमें से भी ये घट जाएंगे, बस यही बात है। और मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कहते हैं कि जिन लोगों ने यात्रा किया आज तक उसका परिणाम सकारात्मक मिला है कि वो तो कहेंगे ही सकारात्मक मिल रहा, पैसे दे दे करके बुला रहे हैं सबको, क्यों नहीं गए लोनी से आगे? किसान वहाँ बैठे थे, वापस चले आए गाड़ी में बैठ करके दोनों जन, क्यों नहीं गए? कल हम भी तो गए थे देखने के लिए, सब लोग पैसे दे दे करके आए थे, नेता लोग लोनी से वापस आ गए थे, हारे हुए निगम पार्षद 500-500 रुपया लेकर के गए हैं सबको। ये भाई साहब ने बिल्कुल सही बात की, अंतिम यात्रा भाई सबको पैसे मिल रहा है, हमें मिलेंगे, हम भी जाऊंगा 1 घंटा के लिए। महंगाई पे क्या कहना, कह रहे हैं कि जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी और भाजपा वाले सड़क पे तांडव करते थे और आज 1100-1200 का है। देखिए सर जी, जब 400 का सिलेंडर था तो 4 दिन वहाँ लाइन में खड़े रहने पे सिलेंडर नहीं मिलता था,
और घर पे तो आने के लिए महीना पहले बुक कराना पड़ता था और वहाँ जाने पे एक मजदूर आदमी की दिहाड़ी खत्म हो जाती थी, सुबेरे रात से ही लाइन लगाए रहता था। ये तो 400 का है, आज 1000 रुपया हमारे घर में आ रहा, हम 1500 कमा रहा हूँ, 500 बच रहा। और तब हम 200 नहीं कमाते थे और 1200 में लेते थे, आखिर में रात भर लाइन लगा करके घर आ जाते थे और 1200 में अपने घर पर लेते थे। और कनेक्शन के लिए 8 साल जो है लाइन में लगे रहने पर कनेक्शन मिलता था और आज फ्री में मिल रहा है, ये भी लोग बाग देख लें। क्या लाल किले पे राहुल गांधी आए थे तो सुना था उनका भाषण? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। आपने नहीं सुना? क्या लगता है राहुल गांधी इस बार टी शर्ट में घूम रहे हैं, कुछ क्रांति लाएंगे? पहले तो उसको ये नहीं पता कि बैंगन का भाव क्या है, पहले ये सीख के आए फिर प्रधानमंत्री का बने। उसको कुछ भी नहीं पता, बैंगन कहाँ उगते हैं, मूली कहाँ उगती है, उसको तो ये तो पता नहीं है, तो प्रधानमंत्री बनेगा। पहले तो ये सीखे तब पता चलेगा उसको प्रधानमंत्री क्या होता है, ऐसे थोड़ी ही बन जाते हैं प्रधानमंत्री। लोग कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो अच्छा सुकून था जीने में, आज भाजपा ने छीन लिया सुकून। कुछ नहीं, पहले वैसे ही था, अब थोड़ा अच्छा है बस, और क्या। ये सच्चाई की बस, अब अच्छे दिन है सरदार जी? नहीं, अब अच्छे दिन नहीं है। अब अच्छे दिन नहीं, नहीं, नहीं है। जब कांग्रेस थी जब बेहतर था, उसने 70 साल बचा के रखा था, इसने 8 साल में बेच दिया, सब कुछ ही बेच दिया। क्या बेच दिया? क्या बेचा बताओ, क्या नहीं बेचा? क्या बेच दिया? अरे आप, उसने अपना इंसान ईमान ही बदला, उसने अपना ईमान ही बेच दिया। ये तो बताओ, या तो बेटी सक्सेस नहीं है, मैं कह रहा हूं ये बताओ मुझे, क्या 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 बेच दिया? यहाँ पे ये शिक्षा बताएंगे, वो प्राइवेट किया है, प्राइवेट तो उसमें हमारे भी फायदा है, प्राइवेट में हमें भी फायदा है, तो काम हो रहा है। ऐसे बिजली में जाओ, पहले पैसे देने पड़ते इतने इतने जमा करने के लिए, फिर मीटर लगता था, अब एक मिनट में जाओ मीटर लग जाता है। तो ये नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है कि प्राइवेट करने को बेच दिया, ये क्यों नैरेटिव? ये केजरीवाल की देन है, केजरीवाल तो फ्री के चक्कर ही है, आज फ्री हटा दो, अगर केजरीवाल आ जाए, आज अगर आज फ्री हटा देना, अगर केजरीवाल को पूछ जाए ना तब कहना, मैंने उसका झाड़ू झूड़ू गैप हो जाएगा। ये तो खाली फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री बसें, इस चक्कर में ये है बस, क्या फ्री कर दिया बस, और कुछ नहीं। हमारे देश की बेटी मार रहा है, वो ये फ्री कर दिया उसने, क्या कर लिया उसने सद्दाम केस में, केजरीवाल क्या कर लिया उसने ये बताइए, बस एक टिकट फ्री दे रहा। आप देख लीजिए मेरे पे वो वीडियो बन नहीं पाई थी, वहाँ पे कंडक्टर ही इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था लेडीज से, 10 रुपए के टिकट के लिए वो अपनी बेइज्जती करवाएगी, वो बेइज्जती करवाएगी। एक बात आइए, आप 10 रुपए के लिए किसी से बेइज्जती कराएंगे? टिकट किसी को फ्री मत दो, इज्जत उसे दे दो है। और बात रही भारत जोड़ो यात्रा की, तो वो देश जोड़ने में लगा हुआ है, वो अपने आप को जोड़ पाया कभी? अपनी बात उसकी 10 प्रकार की है, कभी कुछ कहता कभी कुछ कहता। भाजपा 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 क्या कर रही है? आपको नुकसान पहुंचा रही है, हमें पहुंचा रही है? हमें तो नहीं पहुंचा रही भाजपा नुकसान। और ये भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहे हैं ना, सभी दोगले हैं, खा यहाँ रहे हैं, मुँह तंगे वहाँ पे, देख लेना आप, पैसे खा रहे हैं वो। आज आज श्री राम मंदिर के, आज श्री कोई मंदिर है उसके आचार्य जुड़ गए, जय श्री राम, जय श्री राम नारा, तो जब से क्यों नहीं थे तुम, जब से क्यों मोदी 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 कर रहे थे? आज आज पैसा, आज 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 पैसा मिल गया तो इधर आ गए। पर सुनो, कोई कोई अपना अस्तित्व नहीं भूलता, कोई अपना अस्तित्व नहीं भूलता। भाजपा ने हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा कर दी। मैंने तो ना देखी आज तक, मैंने तो ना देखी आज तक कि कोई, मैं तो, मेरा रूममेट है मुसलमान है, इतने बढ़िया से रहता है। अब वो यही कहता है कि बस ये जो कुछ गंदी राजनीति है ना, जैसे कुछ कीड़े हैं, मैं एक बार नाम गिनाऊँ कीड़ों का, एक राहुल कीड़ा, केजरीवाल कीड़ा, और देखो मायावती तो चलो बहुत बच्ची है, ममता बनर्जी है, चलो उसे अलग रखो भाई, ये दोनों ऐसे कीड़े हैं, ये अंदर ही अंदर खा जाएंगे तुम्हें, पता न चलने देंगे। मोदी क्या कर रहे हैं? और सुनो क्या कह रहा है राहुल, भारत जोड़ रहा है, और क्या कह रहा है, क्या नाम है, कि चीन ने हमारे सैनिकों से घुटना टिकवा दिए। अरे ये तो मोदी सरकार नहीं कह रही, ये तो आपका कैमरा ही कह रहा है, मीडिया ही कह रही है। क्या नाम है कि, क्या नाम है कि मोदी, वो सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो जब तू अपने सैनिक के देश का ही नहीं हो सकता तो हमारा क्या होगा? पहले अपने देश से प्यार करना सीख, पब्लिक अपने आप से प्यार कर लेगी। चाइना ने कब्जा कर लिया भारत पे। अरे भारत चाइना के मुंह में, मैं मुद्दू चाइना के मुंह में, सैनिकों पे कब्जा कर लेगी चाइना। ये एक अंकल जी ने कहा था, एक अभी कुछ टाइम पहले बात अभी सुनना था मैं, कि अब पहले क्या नाम है, एक सर काट देते थे हम कुछ नहीं करवाते, अब वो सही कह रहे हैं, एक सर काटेंगे हम 11 लेके आएंगे, एक फालतू लेके आएंगे उनसे। इतना मोदी ने सक्षम बनाया, रूस का प्रेसिडेंट है,
वो भी आज क्या नाम है इंडिया की तारीफ कर रहा है, अमेरिका भी इंडिया की तारीफ करता है। क्यों ये दुश्मन क्यों है? एक तो ये ना आतंकवादी संगठन, या एक पाकिस्तान और एक चाइना, ये दो ही तो हमारे विरुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि हम आतंकवादियों को भी जगह नहीं देते, हम तो राहुल गांधी को दे रखी है, इस वजह से चिल रहे हैं कि तुम इसे भी हमारे पास भेजो। हम उसे नहीं भेज पाएंगे, वो हमारी बकरा, हम मारेंगे उसे, जरूर मारेंगे, याद रखना। तो सरदार जी क्या लगता है 24 में कौन कोई मोदी को टक्कर दे पाएगा? मोदी को किसने टक्कर देनी है? थोड़ा बहुत सीटें ले जाएगा बस, वही झाड़ू वाला फ्री के चक्कर में बस। अगर मोदी फ्री कर देगा तो सारी मोदी की हो जाएगी बस। वो तो मोदी आधे बंदे फ्री के चक्कर में। एक मिनट मैं आपसे पूछूं, अगर आपको फ्री में घर में सब कुछ फ्री मिले तो आप क्या ये उठा के चलोगे? बिल्कुल नहीं चलोगे। तो फिर कर्म कर्म ही प्रधान है, ये याद रखना, ये हमारा महाभारत का भी वो है। अच्छा, वो जो अभी अभी एक देश है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उसमें यही फ्री का चक्कर था, श्रीलंका नहीं, एक और भी है कोई है, तो उसमें उसमें फ्री का चक्कर था, टैक्सी फ्री, बसें फ्री, सब कुछ फ्री था, तो उसे क्या हो गया? वो देश का बिल्कुल बेकार, उसे खाने के लिए पैसे नहीं है, तो यही साल श्रीलंका का हुआ है। हम कहते हैं कि फ्री बंद होना चाहिए। तो आप सिख लोगों के लिए जो त्योहार मनाया था अभी प्रगति मैदान में, शायद मोदी जी आए थे उस दिन, वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस, तो उसके बारे में सिख लोग क्या सोचते हैं? कुछ सम्मान मिला या सब दिखावा था ये? नहीं, वो तो आते हैं, हर बार ही आते हैं, ऐसी बात नहीं है, गलत नीयत से थोड़ी आते हैं, कोई आते हैं सही नीयत से आते हैं। वो बाल दिवस तो सबके लिए है, वो तो उसके लिए आए हैं बस। हाँ बस, मोदी जी का मैंने ये सुना है कि मोदी जी सिख धर्म के बारे में काफी जानते हैं, फिर भी पंजाब हारे और सिख लोग नाराज बहुत हैं, ये नाराजगी क्यों? आपने समझे नहीं, जहाँ एक बारी फ्री का चक्कर उसने भी वहाँ भी डाला है, हाँ वहाँ भी बच्चे फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ फ्री किया हुआ। इस चक्कर में जो गांव के होते हैं ना, वो इस चक्कर में आ जाते हैं कि हम लालच में कि हम अब देखो तो ये जब निकल जाएगा इलेक्शन का, जब 5 साल फिर पता चलेगा कि फ्री में उसने क्या किया क्या नहीं किया, बस 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 ये चक्कर है बस। फ्री के लालच में सारे आ जाते, हम भी आ जाते हैं फ्री के लालच में, ऐसा कि नहीं फ्री के लालच में आते, हम कह रहे हैं फ्री नहीं होना चाहिए, करो बच्चों में दारू पीना सिखा दिया है। पहले सबसे पहले तो दारू बंद होनी चाहिए, एट के पे एट फ्री, जो बंदा अब तो बंद सरकारी हो गया, सरकारी तो हो गया लेकिन ठेके तो बहुत ज्यादा खुल रहे, बहुत ज्यादा खुलवा दिए केजरीवाल ने, ठीक है बंद हो गए। अरे भाई साहब नहीं नहीं ये बात हम मान लेंगे, बंद कर दिए वो ठीक है, अब जो आदमी को पड़ेगा ये लत पड़ेगा ये वो कहाँ जाएगी? अब वो कंसल ले आएगा जो होता पहले, पहले तो फ्री की पिला दी वो मानेंगे, अब लत पड़ गई वो कहाँ से आएगा? किसी की जेब काटेगा, किसी के घर से चोरी करेंगे, लाए कैसे लाए? दारू पीने से घर में लड़ाई होती है, तो सबसे बड़ी गलती है केजरीवाल की, ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। राहुल गांधी की क्या गलती है भाई? राहुल गांधी जो अपना जो तपस्वी रूप दिखा रहे हैं, टी शर्ट में घूम रहे हैं, उनकी क्या गलती? वो गलती नहीं, वो दिखावा है सब उनका, हाँ दिखावा है सब, पब्लिक को कम ऐसा कर रहे हैं वो कुछ में, उन्हें ये नहीं पता है कौन पिट रहा है। उन्होंने अपने हमारे देश के जो जो क्या कहते फौजी है ना, उनको बोल रहे हैं कि उनको पिटे गए, उनको यही नहीं पटा पिटा कौन है, उनको अभी तक ये नहीं पिटा रोयली में, उन्हें कुछ भी नहीं पटा पता मतलब कि कौन पिटा कौन नहीं पिटा है। योगी जी तो वैसे ही ढोंग करते हैं, असली तपस्वी तो हम नहीं, नहीं वो योगी जी की कब जिंदगी में उड़ नहीं कर सकते, कब जिंदगी में उड़ नहीं कर सकते योगी जी की, हाँ कभी नहीं कर सकते। पर एक चीज है कि हम बोलने चाह रहे हैं उसको राहुल गांधी के ऊपर, कि उससे पहले देख लो पहली बार पहले जो इससे पहले हुई थी ना बात, उसमें वीडियो वायरल नहीं हुई थी, पर इस बार जो चीन के पिटे हैं ना उसकी वीडियो वायरल हो गई है, वो देख लें पहले ताकि बात मुद्दा उठाएं वाला। तभी तो भरोसा नहीं हो रहा है, नहीं तभी भरोसा नहीं हो रहा ना, तभी उन पर पब्लिक भी उन पर भरोसा नहीं कर रही है, जब हम पब्लिक पर भरोसा नहीं कर रहे तो पब्लिक भी उन पर भरोसा नहीं कर रही है, तभी ये भारत जोड़ रहे हैं, क्योंकि उन पर 70 साल में भारत जोड़ा नहीं, अब जोड़ रहा 70 साल से, अब भारत जोड़ रहे हैं, वैसे भारत कभी नहीं जोड़ा, भारत ने तो पूछो भारत टूटा कब था, जो अब जोड़ने के लिए तैयार हुए, पहले सबसे जब पूछो ना भाजपा ने तोड़ा, आर्थिक स्थिति से तोड़ा,
प्रेम सौहार्द से भाजपा ने जोड़ा है 70 साल में जोड़ा है, जोड़ा है 370 हटवाइए वो जोड़ा है भारत ने तोड़ा तो उसने 70 साल में राहुल गांधी। आप ये बताओ मुरली मनोहर जोशी की यात्रा कश्मीर श्रीनगर की वहाँ पे तिरंगा फहराना था कि उसमें किसका राज था बताओ बताओ मेरे को हुआ था या आज था? आज जाके देखो 370 भी हट गई सब इंडिया में अब्सॉर्ब हो गया। आज तक उसको स्पेशल स्टेटस दे रखा था क्यों? राम मंदिर बनने का वो बनेगा बस हमें और कुछ नहीं चाहिए बस 270 हट गई राम मंदिर बनेगा बस। और जब तक रहेंगे तब तक मोदी को देंगे वोट और किसी को नहीं देंगे वोट वाली बात। हां मोदी सही है केजरीवाल बेकार है। आप देखो कितनी फर्स्ट क्लास रोड बन गई है। अब क्या बोले ऐसी थी रोड बोलो ऐसी रोड थी पहले देखो कितना बढ़िया बन गया पुल बन गए। पेट्रोल की बात करो ना पेट्रोल 100 रुपए हो गया कैसे हुआ 2.5 लाख करोड़ का बॉन्ड छोड़ के गए हैं कर्जा देश के ऊपर वो उतार रहे हैं मोदी जी। जो आप कह रहे हो ना 1000 रुपए का सिलेंडर 400 का मिल रहा था 2.5 लाख करोड़ का बॉन्ड कर्जा सरकार के ऊपर देश के ऊपर अगर वो नहीं अगर मोदी जी भी नहीं उतारेंगे वो 400 रुपए कर देंगे वो 100 रुपए का वो पेट्रोल को 50 रुपए कर देंगे फिर अगली भुगतेगा कौन भुगतेगा भुगतना तो वहीं पड़ेगा आखिरी में श्रीलंका बनवाओगे इसको। इसलिए ये आप लोग नहीं बता रहे हो पंजाब की बात कर रहे हो केजरीवाल फ्री पंजाब बन गया कोई बात नहीं। अब आपने इन दिखाया 3 महीने से वहाँ पे बैठे हुए हैं किसानों का आंदोलन चल 3 महीने से बैठे हुए हैं वो किसी मीडिया ने नहीं दिखाया पैसा जा रहा है मीडिया पे विज्ञापन आ रहे हैं कोई दिखाई नहीं रहा केजरीवाल के माइनस पॉइंट।